अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब, सर सरी अकाल। मैं हूं आपका डॉक्टर इम्तियाज़, हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट। आज हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू ऑर्चर्ड। हम नया बाग कैसे बनाएंगे, ये वो टॉपिक है जिस पे एक ऑर्चर्ड डिपेंड है। सबसे पहले जैसे हम कोई मकान बनाते हैं, कोई कोठी बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं, उसके लिए हम इंजीनियर से पूछते हैं कि कौन सा नक्शा चाहिए, प्लान्थ कैसे बनाएंगे, मटेरियल कैसा होगा। ये सारी चीजें ऑर्चर्ड, न्यू ऑर्चर्ड में भी जरूरी है। यह मान लिया कि हमारे पास ये फील्ड है, हमने इसमें सबसे पहले मिट्टी डाली, मिट्टी डालने के बाद हमने इसको हल्का सा लेवल किया, लेकिन बाद अवकात क्या होता है कि जैसा भी लैंड हो, जो भी लैंड हो, हमारे फार्मर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो अपने ऑर्चर्ड्स में डायरेक्ट प्लांट लाते हैं और लगाते हैं। कोई लेआउट नहीं, कोई लेवलिंग नहीं, कोई चीज नहीं। इससे क्या प्रॉब्लम होती है, इससे हमारे ऑर्चर्ड्स में यह प्रॉब्लम होती है कि पानी जमा होता है। जब पानी जमा होता है तो उसके बाद क्या होता है कि रूट रॉट शुरू हो जाता है। उस ऑर्चर्ड में कभी भी फ्रूटिंग में नहीं आएगा, ड्राई हो जाएगा, डैमेज होएगा उस ऑर्चर्ड में, चाहे एप्पल का हो, पियर का हो, वॉलनट का हो, जिसमें पानी जमा हो जाता है। आज हमारा ये टॉपिक है कि जब भी हमें नया ऑर्चर्ड बनाना हो तो इसकी लेवलिंग बहुत ही जरूरी है। विदाउट लेवलिंग हम कोई हाईटेक ऑर्चर्ड नहीं बना सकते हैं। आज हम दिखाएंगे, हमने इसमें पहले मिट्टी डाली। इस फील्ड में आप देख सकते हैं कि इस फील्ड में हमने मिट्टी डाली, उसके बाद हमने इसमें हल्का ट्रैक्टर से किया, इसकी लेवलिंग करेंगे। हमारे पास एक ट्रैक्टर है, लेवलर है, जो अभी फील्ड में आएगा। बाद क्या करना है, पिट डिगिंग करनी है, यानी लेआउट करना है। एप्पल का, पियर का, वॉलनट का, कोई भी ऑर्चर्ड बनाना है, उसके लिए लेआउट करना जरूरी है।